हमारा चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो आज शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये, इन गार्ड सेल्स व्हेन सुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च द स्टोमेटल पोर। पहला ऑप्शन है ओपन्स पार्शली, दूसरा ऑप्शन है क्लोजेस पार्शली, तीसरा ओपन्स कम्प्लीटली और रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्लोजेस कम्प्लीटली, ये हमारा राइट आंसर होगा। जब शुगर कन्वर्ट होती है स्टार्च में तो हमारे जो स्टोमेटल पोर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, डिफ्यूजन इज अ वेरी इम्पोर्टेंट टू प्लांट सिंस सेल्स हैव अ परमेबल सेल वॉल, इट इज द ओनली मीन्स ऑफ गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट, प्लांट्स कैन नॉट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दे आर अनेबल टू मूव टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये पढ़ा एनसीईआरटी की सेम लाइन है, इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ गैसियस मूवमेंट्स विद इन द प्लांट बॉडी, यही होगा। तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, विच इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन, इट्स वाटर पोटेंशियल क्या होगा इसका, तो वो हमारा इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या रिमेंस सेम, बिकम्स जीरो। तो क्या होगा, वो हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बट परसेंट ऑफ वाटर रीचिंग देम इज यूज्ड बाय लीव्स इन फोटोसिंथेसिस, 100% में से कितना परसेंट फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर यूज हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है less than 1%, about 5% इन वार्म कंडीशन एंड about 10% इन कोल्ड कंडीशन, फोर्थ ऑप्शन है about 50%। तो राइट आंसर है about 1%, क्योंकि 1% हमारा फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, बाकी 99 हमारा इवोपरेट हो जाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेस सच एज द सरफेस ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट्स इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोलते हैं, कोनेशन, एडनेशन, कोहेशन या एडिशन। तो एक तो वाटर का होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसे कोहेशन कहते हैं, और जब प्लांट के आर्टरीज मटेरियल होते हैं तो इससे कनेक्शन करते हैं ये, तो वो होता है एडिशन। तो राइट आंसर हमारा एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट, दी बट आर द कंट्रोल पॉइंट्स वेयर अ प्लांट एडजस्ट्स द क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स दैट रीचेस द जाइलम। पहला ऑप्शन है सेलुलोज डिपोजिशन कैस्प्रिन स्ट्रिप्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स क्लोरिन काइमा अराउंड द पेरिसाइकल्स, फोर्थ द रूट हेयर्स देमसेल्व्स। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स,
जब प्रोटीन्स एंडोडर्मल सेल से पर उसमें पेरिसाइकिल होती है तो यहाँ से नहीं निकलने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन भी। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स है, उन्हें पढ़ना है फिर वह जवाब देना है। पहला स्टेटमेंट है द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द फ्लोएम इज़ बाय डायरेक्शनल, तो फ्लोएम की डायरेक्शन में सही है, ये बाय डायरेक्शनल होता है। द सोर्स सिंक रिलेशन इन प्लांट्स इज वेरिएबल, ये भी सही है और ये डेफिनेशन इसको एक्सप्लेन भी करती है। तो क्या हो सकता है हमारा ऑप्शन, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट एंड वन एंड टू एक्सप्लेन्स वन, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट बट टू डज नॉट एक्सप्लेन वन, फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट बोथ वन एंड टू आर इनकरेक्ट। तो राइट आंसर क्या है, फर्स्ट वाले बोथ करेक्ट हैं और जो सेकंड वाली है वो सोर्स और सिंक का रिलेशनशिप प्लांट्स में बताते हैं, वो वेरिएबल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर्स इन प्लांट फ्रॉम सोर्स टू सिंक किससे होता है। पहला है द लोडिंग ऑफ सुगर एट सोर्स इज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड अनलोडिंग एट द सिंक इज बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट द लोडिंग ऑफ सुगर टू सोर्स इज बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड अनलोडिंग एट द सिंक इज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बोथ लोडिंग ऑफ द सोर्स एंड अनलोडिंग एट द सिंक आर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बोथ लोडिंग एट द सोर्स एंड अनलोडिंग एट द सिंक आर द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पहली बात तो ये एक्टिव होता है चाहे लोडिंग हो या अनलोडिंग हो, वो हमारा एक्टिव ही होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमारा क्या होगा, बोथ लोडिंग एंड अनलोडिंग एट द सिंक आर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स, दोनों ही हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, लोडिंग हो या अनलोडिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, वाटर लॉगिंग और ओवर वाटरिंग अ प्लांट इज डेंजरस एंड मे किल द प्लांट्स, व्हाई इज दिस सो, क्यों होता है ऐसा, जब प्लांट को हम ज़्यादा पानी दे देते हैं तो क्यों वो मर जाता है। तो पहला ऑप्शन है बट वाटर डज नॉट हैव ऑल द नेसेसरी मिनरल्स अ प्लांट नीड्स टू ग्रो, वाटर न्यूट्रलाइजेस द पीएच ऑफ द सोयल। थर्ड ऑप्शन है द रूट्स इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, फोर्थ है वाटर लोअर्स द वाटर पोटेंशियल ऑफ द रूट्स। तो राइट आंसर है हमारा द रूट्स आर डिप्राइव्ड ऑफ द ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन ही नहीं मिलती हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, अ कॉलम ऑफ वाटर विद इन जाइलम वेसल्स ऑफ टॉल ट्रीज डज नॉट ब्रेक अंडर इट्स वेट, अ कॉलम ऑफ वाटर जाइलम वेसल्स ऑफ टॉल ट्रीज डज नॉट ब्रेक अंडर इट्स वेट बिकॉज, पहला ऑप्शन है डिसॉल्व्ड सुगर इन वाटर, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, लिग्निफिकेशन ऑफ जाइलम वेसल्स, पॉजिटिव रूट प्रेशर। तो किसके कारण, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण हमारा ब्रेक नहीं होता, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वाटर की वजह से जो वाटर कॉलम है जाइलम वेसल्स का वो टॉल ट्रीज में ब्रेक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइज प्लांट्स, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन, तो क्या क्या करते हैं दोनों,
पुलिंग इट टूवर्ड्स अपवर्ड्स, वाटर को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। और नेक्स्ट है पुलिंग और पुशिंग इट रिस्पेक्टिवली, पुशिंग इट अपवर्ड, पुशिंग एंड पुलिंग इट रिस्पेक्टिवली। तो हमारा राइट आंसर होगा पुलिंग एंड पुशिंग इट रिस्पेक्टिवली। जो ट्रांसपिरेशन है वो पानी को खींचता है और जो रूट प्रेशर है वो पुश करता है पानी को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिंग ग्रेडल प्लांट्स, इन अ रिंग ग्रेडल प्लांट्स द सूट डाइज फर्स्ट, द रूट डाइज फर्स्ट, द सूट एंड द रूट डाई टूगेदर, नीदर रूट और नॉर शूट विल डाई। तो राइट आंसर है हमारे पहले जड़ें मरती हैं, द रूट डाइज फर्स्ट, ये हमारा राइट आंसर होगा ग्रेडल प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, विच वन गिव्स द मोस्ट वैलिड एंड रिसेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटल मूवमेंट में किसने सबसे पहले इसके बारे में वैलिड इंफॉर्मेशन दी थी? तो पहला है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, दूसरा है पोटेशियम इन्फ्लक्स एंड इफ्लक्स, तीसरा है स्टार्च हाइड्रोलाइसिस, चौथा है गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस। तो हमारा जो करेक्ट होगा स्टोमेटल मूवमेंट के बारे में बताना, तो जो पोटेशियम इन्फ्लक्स और इफ्लक्स होता है अंदर और बाहर करने का, वो ही हमारा बताता है। तो हमारा सेकंड आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट प्रिटेन टू फैसिलेट ट्रांसपोर्ट, फैसिलेट ट्रांसपोर्ट कौन सा नहीं करता? तो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, सही है ये राइट आंसर है। हाई सेलेक्टिविटी होती है, फैसिलेटेड प्रोटीन्स की हाई सेलेक्टिविटी होती है। ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन, द प्रोटीन्स होती हैं उसमें इन्वॉल्व, प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं तो उसमें ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन भी होगा। अपहिल ट्रांसपोर्ट, ये नहीं, ये डाउनहिल होता है, डाउनहिल होता है, सही है, ये डाउनहिल होता है, डाउनहिल। तो राइट आंसर होगा अपहिल ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन प्लांट इज नॉट रिमोबलाइज्ड, कौन सा नहीं होता? कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस। तो राइट आंसर है हमारा कैल्शियम हमारा रिमोबलाइज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, सब्सटेंसेस दैट एंटर्स अ लिविंग सेल फैसिलेटेड डिफ्यूजन आर, क्या है? जनरली पोलर इन नेचर होता है फैसिलेटेड डिफ्यूजन लिविंग सेल्स में, ट्रांसपोर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जिधर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगी वो उधर ही की डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, फैसिलेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा ऑल ऑफ द अबव, तो यही आंसर राइट होगा, पोलर नेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, बट इज द ट्रू फॉर बोथ सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट के बारे में बताना है हमें। पहला है एंड इक्वल रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट्स करते हैं दोनों, बीइंग डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, असिस्टेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और नेक्स्ट है कंडक्शन थ्रू इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। तो
तो राइट आंसर होगा बींग डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट। सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट मूवमेंट्स ऑफ वाटर करते हैं इन प्लांट्स में, वो करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को नीचे करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा ये, बहुत आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट PMA रिजल्ट्स इन रिड्यूस फोटोसिंथेसिस, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, रिड्यूस रेस्पिरेशन, किलिंग ऑफ प्लांट्स। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट हमारा रिजल्ट करता है, रिड्यूस कर देता है ट्रांसपिरेशन जब उसमें ऐड हो जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, प्रेशर ऑन अ प्लांट सेल वॉल कॉज्ड बाय ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं जो ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से प्रेशर प्लांट के सेल वॉल पे लगता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं, या हाइपरटोनिक प्रेशर कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा उसे कहते हैं हम टर्गर प्रेशर, जो ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की वजह से लगता है, इसकी वजह से लगता है प्लांट की सेल वॉल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा आसान है, ये है द मोस्ट अबंडेंट सॉल्यूट इन द फ्लोएम सैप इज पोटेशियम आयन, सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च। तो राइट आंसर होगा हमारा सुक्रोज, ये मोस्ट अबंडेंट सॉल्यूट इन फ्लोएम सैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, इन प्लांट रिक्वायर्स पोटेशियम फॉर होल्डिंग इट सेल टुगेदर, सिंथेसाइजिंग क्लोरोफिल, डीएनए रेप्लिकेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। किसके लिए चाहिए होता है, अ प्लांट रिक्वायर्स पोटेशियम, वही अभी थोड़ी देर पड़ा इनफ्लिक्स और इफ्लिक्स के लिए, मतलब स्टोमेटा के लिए, जब भी स्टोमेटा पोटेशियम आए तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिक्वायरमेंट होती है पोटेशियम की। तो राइट आंसर हमारा ये चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैप वर कलेक्टेड बाय कटिंग अक्रॉस अ प्लांट स्टेम बाय सूटेबल मेथड, अ सैप वाज टेस्टेड केमिकली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट दैट इट इज़ अ फ्लोएम सैप। क्या बताएगा, फ्लोएम सैप बताएगा, तो वो एसिडिक बताएगा, एल्कलाइन बताएगा, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा, या अब्सेंस ऑफ शुगर बताएगा। तो वो बताएगा एल्कलाइन वाला फ्लोएम सैप बताएगा, फ्लोएम्स एल्कलाइन वाला फ्लोएम सैप बता देगा कि ये इंडिकेट्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू, किसकी वजह से रूट प्रेशर डेवलप होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से, लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन द सोयल की वजह से, पैसिव एब्जॉर्प्शन की वजह से, इंक्रीज इन द ट्रांसपिरेशन, किसकी वजह से होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से रूट प्रेशर डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, इन प्लांट्स वाटर मूव्स फ्रॉम, कहाँ से मूव होता है। पहला ऑप्शन है लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव पोटेंशियल, मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, और नॉन ऑफ द अब। तो राइट आंसर किधर होगा, लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव, यही हमारा पहला ऑप्शन है, जिधर ज़्यादा नेगेटिव होगा उधर से, जिधर और ज़्यादा नेगेटिव होगा उधर से मूव करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट ये हमारा, ये तो पता ही होगा, बहुत आसान है, स्टोमेटा क्यों ओपन्स होते हैं, इन डे टाइम एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
दूसरा इन डे टाइम नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इन अ नाइट टाइम ओनली फॉर गैसियस एक्सचेंज, इन नाइट टाइम ओनली नो गैसियस एक्सचेंज। तो दिन में ही खुलते हैं वो, दिन में खुलते हैं तो बोलते हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज के लिए ओपन होते हैं दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इफ टर्गर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द बॉल प्रेशर देन क्या होगा, वाटर लीव्स द सेल, वाटर एंटर्स द सेल, नो एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक प्लेस, सॉल्यूट गोज फ्रॉम सेल इनटू द वाटर, कहाँ से कहाँ जाएगा। कहाँ से कहाँ जाएगा ये हमारा, जब टर्गर प्रेशर हमारा इक्वल टू बॉल प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो नो एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक प्लेस, ये आंसर हमारा आ जाएगा। वाटर लीव्स द सेल, सेल से बाहर नहीं जाएगा ना ही छोड़ेगा उसको, और सॉल्यूट्स भी नहीं जाएंगे, तो वाटर का जो एक्सचेंज है वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्या होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। तो पहला ऑप्शन है इट इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है। इट कॉजेज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इट इज इनसेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, नेक्स्ट इट इज अ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, जो फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स फैसिलिटेटेड है उसमें क्या कहते हैं प्रोटीन्स चाहिए होता है, सैचुरेटेड होता है, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, तो वो हमारा स्पेसिफिक होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आसान है तो ये पहले कर भी लिया हमने, अ मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल इज, क्या होगी, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस माइनस साई पी, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई पी माइनस साई एस। तो राइट आंसर होगा हमारा ये, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम चैप्टर यहीं ख़त्म कर देंगे ये वाला। द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज, कैसा होगा, मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइट, लेस देन वन इलेक्ट्रोलाइट, सेम एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन ऑफ दी एस। तो राइट आंसर होगा हमारा लेस देन वन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होती है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होती है, लेस देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारा यही चैप्टर ख़त्म होता है, ये सारे क्वेश्चन नीट के लिए इम्पोर्टेंट है।